शिमला जिला के रामपुर के साथ लगते कुल्लू जिला के आनी उपमंडल क्षेत्र के लहसुन उत्पादकों को लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते भी आशा से बढ़कर दाम मिले हैं। हालांकि इस बार अनुकूल मौसम होने के कारण पैदावार भी काफी अधिक थी। ऐसे में कोरोना के कारण लहसुन उत्पादक किसान हताश और मायूस हो गए थे। किसानों को लग रहा था कि इस बार बाहर से लहसुन के व्यापारी नहीं आएंगे और उनका लहसुन खेतों में ही सड़ जाएगा, लेकिन सरकार की मदद से खरीदार उनके घर द्वार पर पहुंचे और उम्मीद से बढ़कर दाम उन्हें मिले। इस बार लहसुन 105 रुपए किलो तक गांव में ही बिका। रामपुर के साथ लगते कुल्लू जिला के इन दूरदराज क्षेत्र में सैकड़ों गांव में लहसुन का बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। क्षेत्र के करीब 100 गांव में 400 टन से अधिक का लहसुन इस बार हुआ है। लहसुन सप्लायर देव भारद्वाज ने बताया कि इस बार किसानों को अपने उत्पाद बेचने की काफी समस्या हो रही थी। जब वे आनी क्षेत्र में पहुंचे तो बेंगलुरु की कंपनी से संपर्क कर करीब 100 टन लहसुन बंगलोर भेजा गया। उन्होंने कहा इससे किसानों को लहसुन का अच्छा पैसा मिला। लॉकडाउन के दौरान जो है जिस गांव में अभी मैं हूँ यहाँ पर जो है किसान भाइयों को अपनी जो लहसुन है उसको बेचने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो लकीली जो है मैं इधर से गुजरा और मैंने कुछ किसानों से बात की और हमने इस गांव से लगभग 100 टन के आसपास जो है पर्पल स्ट्राइप या आप जिसको गवर्नमेंट गार्लिक कहते हैं इंग्लिश में, वो हमने जो है एक बेंगलोर की कंपनी के लिए हमने प्रोक्योर किया। तो फार्मर्स को सारे का सारा पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया और उनको जो है लहसुन के बहुत अच्छे प्राइस मिले हैं। तो हमने जो है जो AAA यानी कि बेस्ट क्वालिटी गार्लिक है वो हमने 100 रुपये और सेकंड क्वालिटी जो है हमने 60 रुपये और जो थर्ड क्वालिटी हमने जो है 40 रुपये में खरीदा है। जयप्रकाश ने बताया कि वे रघुपुर क्षेत्र का रहने वाले हैं और उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 100 गांव में से 300 से 400 टन लहसुन तैयार होता है। इस बार कोरोना की वजह से लोगों को काफी परेशानियां थी और शंका भी थी कि उन्हें मार्केट में कैसे प्रोडक्ट को भेजेंगे, लेकिन उनका लहसुन सप्लायर से बेंगलोर पहुंचा, इससे किसान काफी खुश हैं। मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं रघुपुर क्षेत्र के समटेड़ गांव से का रहने वाला हूं। हमारे रघुपुर क्षेत्र में लहसुन का जो टोटल पैदावार है ये करीब 300 से 400 टन के आसपास होता है और इसमें लगभग 100 गांव के किसान लहसुन की पैदावार में जुड़े हैं। अभी इस बारी जैसा कि आपको मालूम है COVID-19 की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी और लोगों को थोड़ा सा शंका थी कि हमें मार्केट में कैसे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है या सारी चीज़ें कंसिडर करके लोग चल रहे थे। लेकिन फिर हमारे मिस्टर देव भारद्वाज जिनके थ्रू हमने कंपनी से डायरेक्ट लिंक किया और हमारा बहुत सारा लहसुन उनके थ्रू हमने मार्केट में पहुंचाया और लहसुन के अच्छे दाम मिले हैं और सभी किसान इससे काफ़ी खुश हैं। भरत ठाकुर ने बताया कि वे फनोटी गांव के रहने वाले हैं। इस बार लहसुन की खेती काफी अधिक थी। उन्होंने कहा कि हमें डर था कि हमारी फसल बिकने वाली नहीं है, लेकिन बाहर से व्यापारी आए और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतना पैसा उन्हें मिलेगा। मेरा नाम भरत ठाकुर है और मैं फनोटी गांव का रहने वाला हूँ। तो इस बार लॉकडाउन की वजह से हमें डर था कि हमारा लहसुन नहीं बिकने वाला है, तो उम्मीद करके हमारे देव भाई साहब व्यापारी आ गए तो उन्होंने हमारा लहसुन अच्छा लिया, उम्मीद से ज़्यादा बिका है। 105 रुपए हमें रेट मिला लहसुन का, ये बहुत ही अच्छा रेट है और हम खुश हैं। फनोटी की रहने वाली सुनीता ने बताया कि इस बार लहसुन की पैदावार काफी अच्छी हुई है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार उनका लहसुन लॉकडाउन के कारण बिकेगा, लेकिन उन्हें घर द्वार पर ही लहसुन खरीदने वाला मिला और उनका करीब 35 क्विंटल लहसुन बिका। हमारी है और मैं फनोटी की रहने वाली हूँ और इस बार जो है हमारी लहसुन की प्रोडक्शन भी अच्छी रही और जो है दाम भी इसका अच्छा ही रहा, 105 रुपये, और हमारे जो लहसुन थी वो लगभग 35 क्विंटल निकली और लॉकडाउन की वजह से हमारे को अच्छा ही रेट मिला और हम खुश हैं। किसान तेज राम ने बताया कि वे दो तरह के लहसुन की खेती करते हैं, एक सफ़ेद और दूसरा लाल होता है, इसमें अंतर होता है। नाम तेज राम है, गांव पनौठी का रहने वाला है ना। ये दो रंग की लहसुन मेरे हाथ में है, एक ये सफ़ेद वाला है, ये लाल वाला।
क्योंकि इसका मतलब ये है उसका वजन भी हल्का स्टेज वाले का तो लाल वाले का वजन भी हैवी होता है। इस तरह से दोनों बीज को हम यूज करते हैं।